ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी कैथोलिक कलीसिया में मई महीने के दरमियान हम सब रोजरी प्रार्थना करते हैं। इस वर्ष संत पिता ने सभी परिवारों को आमंत्रित किया है कि वे रोज रोज रोजरी माला विनती करें, और इसके लिए उसने दो प्रार्थनाएं दी हैं। उन्हीं प्रार्थनाओं को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उनकी पहली प्रार्थना है, हे मां मरियम, हम महामारी से संक्रमित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। हमें ऐसी कृपा दे कि हम सबों के हित के लिए कार्य कर सके। हे मां मरियम, तू हमारी इस यात्रा में मुक्ति एवं आशा का चिन्ह बनकर हमेशा हमारा मार्गदर्शन कर। हे रोगियों की मां, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। तू क्रूस के नीचे दृढ़ विश्वास के साथ यीशु के दुख में सहभागी हुई, सभी का उद्धार करने वाली तू हमारी जरूरतों को जानती है। हमें दृढ़ विश्वास है कि तू हमें परीक्षा की इस घड़ी के बाद वही खुशी एवं उत्साह प्रदान करेंगी जो तूने गलीलिया में काना में किया था। हे शाश्वत प्रेमी मां, हमें सहायता दे कि हम पिता ईश्वर की इच्छा के अनुरूप एवं यीशु के कहे अनुसार अपने आप को ढाल सकें, जिन्होंने हमें पुनरुत्थान की महिमा प्रदान करने के लिए हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया और दुख सहा। हे ईश्वर की पवित्र मां, हम तेरी शरण में आते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को अस्वीकार मत कर, हमें परीक्षा में न डाल और हर संकटों से हमारी रक्षा कर। हे निष्कलंक एवं पवित्र कुमारी, आमेन। संत पिता फ्रांसिस ने मई महीने के लिए माला विनती के साथ करने के लिए दूसरी प्रार्थना भी दी है, उसे मैं अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। हम तेरी सुरक्षा तले आते हैं हे ईश्वर की पवित्र मां। वर्तमान दुखद स्थिति में जब पूरी दुनिया दुख और चिंता का शिकार है, ईश्वर की मां, हमारी मां, हम सब तेरे पास आते हैं और तेरी सुरक्षा की याचना करते हैं। हे कुमारी मरियम, इस कोरोना वायरस महामारी के बीच अपनी दयालु आंखें हमारी ओर फेर, उन लोगों को आराम दे जो व्याकुल हैं, और अपने प्रियजनों के लिए शोक मनाते हैं जो मर चुके हैं। उन्हें अकेले में दफनाया जाता है जिससे उन्हें गहरा दुख होता है। उन लोगों के करीब रह जो अपने बीमार प्रियजनों के लिए चिंतित हैं और जो बीमारी के प्रसार को रोकने के कारण उनके करीब नहीं रह सकते, जो भविष्य की अनिश्चितता, अर्थव्यवस्था और रोजगार के परिणामों से परेशान हैं, उन्हें आशा दे। हे ईश्वर की मां और हमारी मां, करुणा में पिता परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर कि यह गंभीर दुख समाप्त हो जाए, आशा और शांति फिर से हमारे पास विराजे। काना में जिस तरह तूने अपने पुत्र से निवेदन किया था, उसी तरह हमारे लिए भी निवेदन कर ताकि बीमार और पीड़ित परिवारों को आराम मिले और उनके दिलों को आत्मविश्वास से भर दे। उन डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों की रक्षा कर जो इस आपातकाल के अग्रिम पंक्ति पर हैं और दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उनके वीरतापूर्ण प्रयासों का समर्थन कर और उन्हें शांति, उदारता और निरंतर स्वास्थ्य प्रदान कर। उन लोगों के करीब रह
जो रात और दिन बीमार लोगों की सहायता करते हैं, और पुरोहितों के साथ रह जो अपने प्रेरित कार्य द्वारा हर किसी की सहायता और समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं। हे धन्य कुंवारी मरियम, अनुसंधान में लगे वैज्ञानिक पुरुषों महिलाओं के ज्ञान को रोशन कर दे, ताकि वे इस वायरस को दूर करने के लिए प्रभावी समाधान पा सकें। राष्ट्रीय नेताओं का मार्गदर्शन कर, जिससे वे विवेक और सुंदरता के उदारता के साथ वे लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता दे सकें, और दूरदर्शिता एवं एकजुटता से प्रेरित होकर सामाजिक और आर्थिक समाधान तैयार कर सकें। हे पवित्र मां मरियम, हमारी अंतरात्मा को झकझोर दे, ताकि हथियारों को विकसित करने और जमा करने में भारी धनराशि खर्च करने के बजाय प्रभावी शोध को बढ़ावा देने हेतु धन खर्च किया जाए, ताकि भविष्य में होने वाली इस तरह की त्रासदियों को रोका जा सके। हे प्यारी मां, हमें यह महसूस करने में मदद कर कि हम सभी एक महान परिवार के सदस्य हैं। हमें उस बंधन को पहचानने में मदद कर, ताकि भाईचारे और एकजुटता की भावना से हम गरीबी और आपातकाल स्थितियों को दूर करने में मदद करें। हमें विश्वास में दृढ़ कर कि हम सेवा में लगे रहें और प्रार्थना में धीर बने रहें। हे मां मरियम, पीड़ितों की सांत्वना, अपने सभी बच्चों को संकट में गले लगा और प्रार्थना कर कि ईश्वर अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाए और हमें इस भयानक महामारी से मुक्त करे, ताकि हम सब सामान्य जीवनचर्या को फिर से शुरू कर सके। तू हमारी जीवन यात्रा में मुक्ति और आशा की निशानी के रूप में चमकती है। हम सब अपने को तेरे चरणों तले सौंपते हैं। ओ मेहरबान प्यारी माता मरियम, आमेन।